देखिए अभी इंदौर में काफ़ी जो स्टेबिलिटी आई है थोड़ी, अभी ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण आई है अभी, तो अभी हम लोग 20 से काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जो एसेंशियल सर्विसेज थी हम लोगों ने खोली हुई थी, अभी तो इसको चलने देंगे, जो सख्ती चल रही है अभी वही सख्ती चलेगी। 25 के आसपास देखेंगे क्या पोजीशन है, उसमें कौन कौन सी और एसेंशियल टाइप की चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको विचार करेंगे। अभी तो यथावत ये जो सख्ती है वो चलेगी, 25 के बाद एक बार देखेंगे क्या स्थिति बनती है उसमें। देखिए देखिए संख्या बढ़ने से चिंता नहीं करनी चाहिए और संख्या कम होने से भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने जो मुद्दा छेड़ा है और आप मेरे इस माध्यम को बतलाइए कि आज मैं अभी चूंकि अभी हमारे एक TA साहब की उसमें दुखद घटना हुई है जिसमें उनकी डेथ हुई है उसमें, इसलिए नहीं, पर पुलिस को अब सख्त और होने वाली है। पुलिस जो लोग लापरवाही करके बाहर घूम रहे हैं, जैसे मेरे पास एक दूरदर्शन के अधिकारी अभी आ गए, मैंने बहुत डांट के भगाया है उनको, अभी आज कर्फ्यू लगा हुआ है, आज उनको पात्रता नहीं है निकलने की, कैसे निकल सकते हैं वो। इसीलिए मैं अभी आज तो इस वजह से नहीं हो पाया है, नहीं तो आज फोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन शहर में था। हम लोग जो भी वॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर वॉल्यूशन करेंगे तो ये शहर जो संभला है ये फिर से किसी दिन में दिक्कत आ जाएगी। फिर जो है इसमें किसी को अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, लठ पड़ते हैं, किसी को गिरफ्तारी होकर अस्थायी जेल डालते हैं, तो लोग फिर बाद में हमको ही बोलेंगे ये क्लियर निर्देश मैं दूंगा ये, और हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे ये, और पुलिस के अधिकारी भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि अगर कर्फ्यू लगा है शहर के स्वास्थ्य में हित में, कोरोना वायरस को अगर जड़ से मिटाने के लिए सख्ती जरूरी है, अनावश्यक लोग भी निकलते हैं सुबह दूध के समय, ये देखा जा रहा है कि अनावश्यक लोग निकल रहे हैं, शाम के समय कई लोग अनावश्यक किसी बहाने से निकल जाते हैं, जैसे एक सज्जन मुझसे मिलने आ गए दूरदर्शन के, ऐसे सब सज्जनों को चेतावनी है मेरी तरफ से कि अगर पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर इनको इनको कुछ मैंने बोला है पुलिस को कि अगर जरूरत पड़ती है नहीं सुनने आप लठ लगा के इनको बंद करिए, इनको इन्हीं लोगों की वजह से शहर में इतनी दिक्कतें पहले भी हुई हैं और फिर से ये लापरवाही कई लोग कर रहे हैं। जो लोग बेचारे ईमानदारी से 99% लोग घर में बैठे हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य वो सब क्या शहर को सहयोग कर रहे हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अगर उनके स्वास्थ्य में इन 0.5% या 1% से कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, इनको स्ट्रिक्टली हम लोग जेल में डालेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा कि अब सख्ती बिल्कुल रहेगी, पुलिस और सख्त होगी अभी, और पुलिस की सख्ती अगर होती है इस मामले तो मान के चलिए कि मैंने निर्देश दिए हैं पुलिस को, और इसमें जिम्मेदार जो जनता वॉल्यूशन करके घूम रही है उसकी जिम्मेदारी रहेगी इसमें।